गुड मॉर्निंग एवरी वन। टुडे फॉर क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 1 जस्ट वी आर गोइंग टू रिवाइज एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स और रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड। कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी संविधान। संविधान एक रूल बुक है जिसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और अकॉर्डिंगली दैट अ स्टेट, हियर द वर्ड स्टेट मीन्स इट्स रिलेटेड टू अ कंट्री। कंट्री इज रन और गवर्न्ड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट्स और दैट स्टेट्स और कंट्रीज पर्टिकुलर गवर्नमेंट। इट इज़ द रिटन लॉ ऑफ लैंड। ये लिखित संविधान होता है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे गए होते हैं। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गवर्न्स इन द कंट्री एज इज कैरीड आउट। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द एक्टिविटीज आर कैरीड आउट विद इन द लॉ एंड रूल्स। नाउ विल सी इन डिटेल। A constitution is a body of rules, laws and principle on the basis of which a state or a country is governed, as we have seen right now. It embodies the principles according to which laws are formulated. Therefore, a constitution is regarded as the supreme law of the land or a particular country. A constitution is the supreme law. No one is higher than the laws which are mentioned in the constitution. The constitution of India is the longest written constitution in the world. जो भारत का जो संविधान है वो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा और हस्तलिखित संविधान है। It was ratified by the constitution और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया एंड केम इन टू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। एट दैट टाइम आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैड 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स। उस समय इसमें 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल्स थे। एट प्रेजेंट इट हैज़ 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 98 अमेंडमेंट्स। अब इसमें 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 98 अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स मतलब संविधान में जो संशोधन किए गए हैं, सुधार किए गए हैं, वो बढ़ 98 हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट पेज। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है हमें? अ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द फंडामेंटल नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है, दर्शाता है वहां की राजनीतिक व्यवस्था को, उस देश के मूलभूत बेसिक principle of politics को। For example, the constitution of India declares the Indian Union to be a socialist, secular, democratic republic. Constitution of India, भारतीय संघ, constitution of India बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ है, union है। टू बी ए सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर,
पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, गणतंत्र, गणतंत्रिक देश है या लोकतांत्रिक देश है। हम किसी धर्म विशेष, जाति विशेष को वरीयता या प्रेफरेंस नहीं देते। हम पूरे समाज को एक सूत्र में बांधकर सभी लोगों की जो डिसीज़न है सर्वसम्मति से, उनके हर डिसीज़न का पालन करते हुए अपने देश को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को लागू करते हैं। और हम अपने संविधान में समाज को एक पंथ निरपेक्ष, जिसमें किसी को वरीयता नहीं दी गई है, ऐसा लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक संविधान हम मानते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट प्लेजेस टू गारंटी ईच ऑफ इट्स सिटीजन जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी अमंग देम ऑल। संविधान में प्रतिज्ञा की गई है और ये गारंटी दी गई है, आश्वासन दिया गया है, ईच ऑफ इट्स सिटीजन जस्टिस, न्याय, इक्वालिटी समानता, लिबर्टी स्वतंत्रता एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड भाईचारा एक दूसरे में बढ़ाने के लिए और समाज को एक साथ रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा संविधान भारत सरकार के तीन प्रमुख अंगों को बताता है और उनकी व्याख्या करता है, उनके फंक्शंस को बताता है। दीज थ्री ऑर्गन्स और दीज थ्री डिफरेंट ब्रांचेस आर द लेजिस्लेचर, इन हिंदी विधायी शक्ति, विधायिका भी जिसे कहते हैं। लेजिस्लेचर इज मेनली रिलेटेड टू मेकिंग लॉज, नियम कानून बनाना लेजिस्लेचर के अंडर में है। सेकेंड इज द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी या कार्यपालिका जो लॉज को, रूल्स को फॉलो करवाती है और खुद भी फॉलो करती है। एंड जुडिशरी, जुडिशरी रिलेटेड टू जस्टिस, इन हिंदी वी कैन कॉल इट एज अ न्यायपालिका, लाइक आवर कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एट्सेट्रा, विच मेंटेन लॉज एंड दे प्रोवाइड जस्टिस व्हेन देयर इज अ ओवर रूल और अवॉइडेंस ऑफ एनी लॉज और राइट्स। इट रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इट ऑल्सो सेफ गार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द इलेक्टेड लीडर्स एंड बाय एनी ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये तीन अंग, ये थ्री ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों एक दूसरे पर निगरानी रखते हैं, वॉच करते हैं कि कोई अपने राइट का, अपने पोजीशन का गैर लाभ या अनइथिकल बिहेवियर से किसी को बेनिफिट न पहुंचाए। इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये तीनों अंग सरकार और लोगों के बीच एक संबंध स्थापित करते हैं, लॉज और रूल्स को अच्छे से चलाने के लिए, कंट्री को अच्छे से रन करने के लिए। इट लेज डाउन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है, हमें हमारे कर्तव्यों के बारे में बताता है। इट मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन में समाज के गरीब, पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों के लिए भी कुछ रियायत, कुछ सहूलियत, कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसे हम आगे देखेंगे।
धीरे धीरे चैप्टर में, द नीड फॉर लॉज इन लाइफ, कानून और रूल्स की क्या जरूरत है हमारे जीवन में. देन लॉज आर इंटेग्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी, अ लॉलेस स्टेट वुड बी अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर क्रिमिनल्स एक्टिविटीज एंड सोशल इविल्स. लॉज, कानून बहुत ज़रूरी हैं किसी समाज को सुचारू रूप से अच्छे से फंक्शन कराने के लिए, चलाने के लिए. अगर लॉज नहीं होंगे, नियम कानून नहीं होंगे, कानून व्यवस्था नहीं होगी, तो लोगों में समाज के प्रति कोई डर, कोई भय नहीं रहेगा. और ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आपराधिक और सामाजिक कुरीतियों का अड्डा बन जाएगा. इट वुड अलाउ द पावरफुल टू ऑप्रेस द वीक विदाउट बीइंग पनिश्ड फॉर द सेम. और जो शक्तिशाली होगा, जो पूंजीपति होंगे, जो अमीर रिच पर्सन होंगे, पावरफुल पर्सन होंगे, वो क्या करेंगे, दूसरे गरीब सेक्शंस को दबाने की कोशिश करेंगे, अत्याचार कर सकते हैं, किसी का यूज़ कर सकते हैं, अननेसेसरी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं. देयरफोर वी नीड लॉस टू प्रोटेक्ट अस एंड एंश्योर द ओवरऑल सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द स्टेट. इसलिए लॉस, कानून व्यवस्था की हमें ज़रूरत है एक अच्छे समाज के लिए, समाज में रहने वाले लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वेयर सर्टन सोशल इविल्स सच एज डाउरी, फीमेल फर्टिसाइड एंड चाइल्ड लेबर हैव एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया वेयर सर्टन सोशल इविल्स सच एज डाउरी, दहेज प्रथा, फीमेल फर्टिसाइड, गर्भपात, या जो कन्या है, कन्या भ्रूण हत्या, चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी हैव एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. लॉज हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कर्बिंग दियर प्रैक्टिस. कानून व्यवस्था ने इन सारी चीज़ों को रोकने की पहल की है और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं. लेट अस लुक एट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड बेटर द नीड फॉर लॉस. आइए समझते हैं लॉस की क्या ज़रूरत है, कानून व्यवस्था की क्या ज़रूरत है. फर्स्ट केस स्टडी इज द डाउरी. डाउरी इज द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग गिफ्ट्स, प्रॉपर्टी और मनी टू द ग्रूम एंड हिज फैमिली बाय द ब्राइड्स फैमिली एट द टाइम ऑफ वेडिंग. For centuries, dowry has remained a common practice in India. Marriages. Dahej Pratha, जो बरसों से चली आ रही कुरीति है, जिसमें लोग एक दूसरे से जबरदस्ती उपहार लेते और देते हैं. शादी विवाह के समय जो बालिका पक्ष के लोग होते हैं, वो वर पक्ष को गिफ्ट के तौर पे प्रॉपर्टी, मनी, ये ऑफर करते हैं. फॉर सेंचुरीज डाउरी हैज़ रिमेंड अ कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया, इंडियन मैरिजेस. भारतीय परंपरा में जो विवाह प्रथा है, उसमें दहेज लेन देन ये आम है और इसे देखा गया है. मोर ऑफन देन नॉट द इनएबिलिटी ऑफ द ब्राइड्स फैमिली टू मेट द डिमांड ऑफ डाउरी लीड्स टू द फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर ऑफ द ब्राइड बाय द हस्बैंड एंड हिज फैमिली. डाउरी, दहेज न मिलने की दशा में ये भी देखा गया है कि भारतीय समाज में महिलाओं या बहुओं पर उनके पतियों या उनके पति द्वारा अत्याचार किया जाता है. इस अत्याचार में फैमिली मेंबर्स
या उस विवाहिता का पति महिला पर अत्याचार करता है दहेज के लिए, डाउरी के लिए. एट टाइम्स दिस प्रैक्टिस हैज़ इवन कॉज्ड द डेथ ऑफ सेवरल ब्राइड्स. टू कर्ब दिस सोशल इविल, इस सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए, टू स्टॉप सच इविल, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इन 1961. इस दहेज की कुरीति को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता ने दहेज उन्मूलन अधिनियम 1961 को पारित किया है. द एक्ट बैंड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग डाउरी. इस अधिनियम द्वारा दहेज जो लेन देन किया जाता है उसके उसे गलत माना है और इस प्रैक्टिस को समाप्त करने की बात कही गई है. अकॉर्डिंग टू द लॉ, पीपल कॉट गिविंग और एक्सेप्टिंग डाउरी कुड बी फाइंड एंड इम्प्रिशंड फॉर 5 ईयर. अगर दहेज लेते या देते आपको कानून द्वारा पकड़ा गया या आप पर कोई कार्यवाही की जाती है तो इसमें जो एक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, उनको 5 वर्षों की सज़ा का प्रावधान किया गया है. माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टॉप हियर. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विथ अदर पेज. थैंक यू क्लास.